दोस्तों, हिंदुस्तान में कई ऐसे किले हैं जो अपनी संरचना, अपनी शिल्पकला या फिर उससे जुड़े किसी खास इतिहास की वजह से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे किले के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एक पहाड़ को काटकर बनाया गया और उसकी संरचना बिल्कुल एक जहाज की तरह थी। आखिर उस किले के निर्माण के पीछे की दिलचस्प कहानी क्या कुछ है, वो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में कई तरह के किले हैं, बल्कि पूरा राजस्थान किलों का गढ़ है। दरअसल बात है 1886 की। 1886 में यहाँ राजा हुआ करते थे महाराजा प्रताप सिंह। उन्होंने कई विदेश यात्राएं की थीं और जब वो विदेश यात्राएं करते थे तो पानी के जहाज के जरिए ही करते थे। पानी के जहाज से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये ठान लिया कि एक महल वो भी बनाएंगे जो बिल्कुल पानी के जहाज की तरह होगा। आप इस महल को देखिए, इस महल की पूरी नक्काशी ऐसी है जैसे एक पानी का जहाज। साल 1886 में नागौरी गेट के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर जहाज महल का निर्माण करवाया गया था, जिसे महाराजा प्रताप सिंह ने अपने निजी आवास के तौर पर इस्तेमाल किया। कुछ समय के बाद महाराजा प्रताप सिंह के एक अंग्रेज मित्र ने उन्हें यहां न रहने की सलाह दे दी। कहा कि जोधपुर में हवा की गति अक्सर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और पूर्व में नगर की जनसंख्या होने की वजह से जो प्रदूषित हवा है वो इधर आ जाएगी। अपने अंग्रेज मित्र की इस सलाह पर बहुत गंभीर हो गए महाराजा प्रताप सिंह और उन्होंने इस महल को छोड़ दिया। आजादी के बाद ये शिल्प हाउस सरकार के नियंत्रण में आ गया। उसके बाद 25 जनवरी 1949 के दिन इस जहाज महल में जोधपुर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का इसे रूप दिया गया। यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान संगीत विभाग और मशहूर शायर रमजी इटावी उर्दू सेक्शन के इंचार्ज थे। आजादी के बाद यहाँ कई सरकारी विभागों के कार्यालय भी रहे और यहाँ कुछ फिल्मों की शूटिंग भी की गई। पहले इस जगह तक पहुंचने के लिए रेलिंग लगी हुई थी और सड़क भी बहुत अच्छी थी। दूर खड़े रहकर देखने पर यह भवन पानी के किसी जहाज के समान दिखाई देता है। आपको ये भी बताएं कि इस जगह को भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह की और जानकारियों और कहानियों और किस्सों के बारे में जानने के लिए आप न्यूज़बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।